बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान मुगल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को मंगला ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी का विज़िट करवाऊंगा, जो कि मंगला डैम जो है इसके बिल्कुल साथ है। इसमें मंगला डैम का भी आपको मैं विज़िट करवाऊंगा साथ में। इस वक्त मैं बताता चलूं कि मैं इस वक्त जो सोसाइटी का साइड के ऊपर मेन जो हेड ऑफिस है, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये सामने देख सकते हैं कि ये सोसाइटी का अपना मेन हेड ऑफिस है। अगर आप सोसाइटी विज़िट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मौके पे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है पूरा स्टाफ मिलेगा, जो कि आपको एक मुकम्मल तरीके के साथ जो है ब्रीफिंग करेगा। ये तो सामने देख सकते हैं कि जो हम लोग जो है ये इनकी गाड़ी हमें यहाँ पे लेके आई है लाहौर से सोसाइटी विज़िट करवाने के लिए, जिसमें इन लोगों ने हम लोगों को सारा ब्रीफ भी किया है कि इसमें क्रीसेंट वन ये इन्होंने दिया है, जो कि आज से तकरीबन कह लें कि कोई राउंडली 10 से 12 साल पहले जो है वो यहाँ पे दो दो कनाल के घर जो है इन्होंने सोल्ड किए थे। लेकिन उसके बाद फिर जो है ये सोसाइटी एक प्रॉपर तरीके के साथ जो है लॉन्च की गई है अभी। तो ये इस वक्त जो सामने आपको घर वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये एक रिसेंट वन है इसका। इसके बाद अभी जो ये सामने डेवलपमेंट वगैरह आपको होती हुई नज़र आ रही है, ये एक रिसेंट टू आएगा इसका। यहाँ पर डिवेलपमेंट वगैरह हो रही है और ये सामने जो है आपको रिसेंट थ्री वो मिलेगा। इसके बाद फोर है, ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसकी दोनों साइड पे वाटर है और ये डैम के बिल्कुल नज़दीक और उसके ऊपर है। और ये जो है ये सिक्स क्रीसेंट सिक्स के नाम से इसको जो है लॉन्च करेंगे इन फ्यूचर। इसके बाद अगर इसकी मेन खासियत बताता चलूँ तो लोकेशन वो बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, जो कि मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में छुट्टियाँ गुजार आते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही खूबसूरत और लोकेशन हिसाब से भी बड़ी अच्छी सोसाइटी है। तो इसका मैं आप गेट का भी विज़िट करवाता हूँ। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि ये जो आपको वाटर नज़र आ रहा है ये मंगला डैम है और मंगला डैम भी बिल्कुल इसके नज़दीक तरीन है। अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपके पास अगर कोई मंगला ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी की कोई फाइल पड़ी हुई है तो अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03214530099। अभी मैं इसकी एंट्रेंस पे जा रहा हूँ, इसकी एंट्रेंस का भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है और बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी मेन एंट्रेंस भी दी गई है, जो कि काफ़ी पुरकशिश सी लगती है। और यहाँ का माहौल अगर को मैं आपको बताता चलूँ ज़ाती तौर पे, तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 30 से 35 फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो यहाँ पर रहाइश पज़ीर हैं और सोसाइटी के जो ऑनर हैं वो ज़ाती तौर पर भी यहाँ पर रहाइश पज़ीर हैं। सिक्योरिटी की बात करता चलूँ तो सिक्योरिटी इसमें बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी दी गई है। ये नहीं है कि जैसे मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर जो है वो दिन के टाइम भी कोई रोबरी वगैरह हो जाती है, यहाँ पे आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये मैं पहले सोसाइटी के अंदर था, काफ़ी थोड़ा सा फासला है उसका, थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए मैं पैदल आ रहा हूँ, जो थोड़ा टाइम लग गया। अभी मैं आपको इसका मेन फ्रंट गेट का भी विज़िट करवाता हूँ। ये देख सकते हैं कि मेन एंट्रेंस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा एक वाटर डेकोरेशन बहुत खूबसूरत दी गई हुई है। ये सामने इसकी मेन एंट्रेंस है सोसाइटी का, ये मेन गेट आ जाता है जो कि काफ़ी बड़ा दिया गया है और बड़ी गाड़ी यहाँ से बहुत ही इजीली गुजर जाती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का आपको एक और बेनिफिट होगा कि यहाँ पे आपको आर्मी रिसोर्स्ट, इसके अलावा फायर ट्रेनिंग यहाँ पे होती है रिसोर्स्ट, वो उसमें आपको अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी मेंबरशिप आपको फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा इन फ्यूचर यहाँ पे जो लैंड रिज़र्व की गई है वो एयरपोर्ट के लिए भी लैंड रिज़र्व की गई है कि यहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सोसाइटी का ज़ाती अपना एयरपोर्ट भी दिया जाएगा। तो ये आज का मेरा व्लॉग था मंगला ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। अगर आप मंगला ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी में कोई फ़ाइल ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03214530099। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।